हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम इस करी पत्ते के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यह करी पत्ता जो है यह बहुत ही गुणकारी पौधा है। यह पौधा जो आपके कई तरह के व्यंजनों में इसको डालते हैं और उस व्यंजन का स्वाद बढ़ाते हैं। दोस्तों, इसका करी पत्ता नाम जो है ये नाम है क्योंकि हम इसको करी में डालते हैं तो करी स्वादिष्ट हो जाती है, इसलिए हम इसको करी पत्ता बोलते हैं। इसके साथ साथ ये कई जगह साउथ में तो सभी लोग इसको लगभग सभी तरह के व्यंजनों में डालते हैं। दोस्तों, यह जो पौधा है यह लगभग देश के सभी हिस्सों में पाया जाता है, लेकिन बहुत से जगह में इसका प्रयोग लोग नहीं जानते हैं। कुछ जगह जैसे पूरे साउथ इंडिया में, इधर गुजरात, हिमाचल और अपने उत्तराखंड वगैरह में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। लगभग सभी तरह के व्यंजनों में इसका प्रयोग लोग करते हैं। यह बहुत ही गुणकारी पौधा है। दोस्तों, इस पौधे की पत्तियाँ जो हैं नीम की तरह होती हैं लगभग, इसलिए इसको मीठा नीम कहते हैं। और व्यंजनों के लिए मुख्यतः इसकी पत्तियां ही प्रयोग में लाई जाती हैं। इसके अलावा ये पौधा जो है साल भर हरा भरा रहता है, इसलिए ये जो पौधा है इसको हम अपने गार्डन की सुंदरता बढ़ाने के लिए भी लगा सकते हैं। और यह पौधा जो है छोटे से छोटे गमले में भी लग जाता है। इसके अलावा आप अगर ये ज़मीन में रहता है तो बहुत ही हाइट होती है इसकी, 4-5 मीटर हाइट तक ये पौधा हो जाता है। बहुत बड़ा बड़ा ये पौधा हो जाता है। तो ये मेरे पास एक पौधा है जो लगभग 6 सालों से मेरे पास इसी गमले में पड़ा हुआ है, और इसकी कुछ खास केयर भी नहीं करनी है। इसको बस जैसे मैं सभी पौधों पे 15 से 20 दिन में कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र स्प्रे करता हूँ, वैसे ही इस पर भी लिक्विड फर्टिलाइज़र स्प्रे कर देता हूँ, तो ये पौधा चलते रहता है और खुश रहता है, और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी बनी रहती है, बढ़ते रहता है। दोस्तों, यह पौधा जहाँ तक हम बात करें इसको रखने की, कहाँ पर रखा जाए ये पौधा, तो दोस्तों वैसे तो ये पौधा फूल धूप का है, इसको फूल धूप में रखने से ये बहुत अच्छा चलता है। लेकिन अगर हम इसको गमले में रखे हैं तो गर्मियों की जो तेज़ हवाओं वाली धूप है उसमें थोड़ा सा हम इसको बचाएं, और ऐसी जगह पर रखें जहाँ 4-5 घंटे की धूप हो और गर्म हवाओं वाली धूप इस पर ना लगे तो अच्छा चलेगा। नहीं तो अगर हम इसको धूप में भी रख दें तो भी अच्छा चलेगा। थोड़ा बहुत हो सकता है कि इसकी पत्तियाँ झुलसें, लेकिन फिर जैसे ही बारिश का सीज़न आएगा फिर यह एकदम हरा भरा हो जाएगा। दोस्तों, यह पौधा हर घर में लगाना चाहिए क्योंकि इस पौधे में बहुत सारे मेडिसिनल गुण हैं, और इसके अलावा इस पौधे से हम इसकी पत्तियां तोड़ के किसी व्यंजन में डालते हैं या फिर व्यंजन में तड़का लगाते हैं तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। दोस्तों, जहां तक हम बात करें कि इसको कैसी मिट्टी में लगाना चाहिए, तो इसके लिए जो मिट्टी होना चाहिए वेल्ड्रिन होना चाहिए, यानी अगर चिकनी मिट्टी है तो चिकनी मिट्टी में हम लगभग 40% रेत ले लेते हैं, और 50% गार्डन की सॉइल हो, और 10% इसमें गोबर खाद मिक्स करके, या गोबर खाद नहीं हो तो वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके हम इस पौधे को लगा सकते हैं। इसके अलावा पानी की बात करें तो पानी इसको अगर गमले में है तो डेली एक बार देना चाहिए, और ज़मीन पे है और बहुत बड़ा हो गया तो पानी की कोई ज़रूरत है नहीं, वो ऐसे ही अपना ग्रो करते रहेगा। उसके बाद जहाँ तक बात आती है फर्टिलाइज़र की, फर्टिलाइज़र हमको इसको वही लिक्विड फर्टिलाइज़र हम दे देते हैं इसको 15 से 20 दिनों में, जो सभी पौधों को देते हैं। और इसके अलावा हम इस पर साल भर में एक बार फरवरी के महीने में इसकी गुड़ाई करके, और इसमें 10% लगभग 250 से 300 ग्राम इसमें कोई भी गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, जिससे इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है और साल भर हरा भरा बना रहता है। दोस्तों, इस पौधे में अगर हम बात करें पेस्टिसाइड की, तो इस पौधे में तो मेरे पास ये 6 साल से है और इसमें किसी तरह का कोई कीट पतंगों का अटैक नहीं है। अगर कोई कीट पतंगे अटैक करते हैं इस पे तो या तो मार्केट वाली जो पेस्टिसाइड आती है हम उसके घोल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर नीम ऑयल का भी छिड़काव इस पे कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात आती है इसकी प्रोपेगेशन की, प्रोपेगेशन कैसे करें इसका। तो इसका जो प्रोपेगेशन है वो बीज के थ्रू ही होता है। बीज में इसके जो बीज आते हैं, बीज लाल लाल होते हैं और फिर बाद में काले हो जाते हैं, तो उस बीज के थ्रू हम इसका प्रोपेगेशन कर सकते हैं। बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उसमें बीज बनते हैं। अब ये छोटा पेड़ है तो इसमें किसी तरह का कोई बीज नहीं बना है अभी तक, लेकिन इसका प्रोपेगेशन होते रहता है। इसके जड़ों के थ्रू भी इसका प्रोपेगेशन होता है, जैसे कि ये जो पौधा है ये मूल पौधा है, और मूल पौधे से इसकी जड़ों में ये नीचे ये यहाँ पे ये आपको पौधा दिख रहा है, ये इसमें 2-3 पौधा निकला हुआ है खुद, जिसको हम दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दें तो फिर वहाँ से नया पौधा बन जाए। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने प्लास्टिक में लगाया हुआ था, इसमें अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, ये
ये जड़ों से निकला हुआ है और ये भी जड़ों से निकला हुआ है। तो इस तरह से ये जड़ों से भी निकलते रहता है, तो हम इसका प्रोपेगेशन इसमें से निकाल के भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी कटिंग भी लग जाती है, तो इसकी कटिंग को भी हम आसानी से लगा सकते हैं बारिश के दिनों में, इसकी कटिंग ले करके और फिर उस कटिंग के से भी इसकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये पौधा गमले में है तो हम इसकी मेंटेनेंस को लगातार रखेंगे तो ये पौधा अच्छा चलते रहेगा। जैसे ये पौधा छोटे से गमले में है, ये 12 इंच का गमला है और ये लगभग 6 साल से इसमें लगा हुआ है। तो इसको हम क्या करते हैं कि जब फरवरी में हम इसकी गुड़ाई करके अच्छी तरह से इसमें जब हम गोबर खाद देते हैं तो उसी समय हम इसकी प्रूनिंग भी कर देते हैं। जैसे ये ऊपर की ब्रांचेज हैं, ये अब ऊपर बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है, तो इसके पत्तों को तो एक तो हम लगातार यूज़ करते रहते हैं, बाकी अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं और ये बढ़ रहा है ब्रांच, तो हम इसको पत्तों को यूज़ करना है तो हम यहाँ से इसको काट देते हैं और यहाँ से काट देते हैं, फिर ये एक शेप मिल जाता है पौधे को। तो हम लगातार इसकी प्रूनिंग करते रहते हैं जिससे कि एक पौधे को शेप भी मिल जाए और गमले में एक छोटा पौधा बना रहे। तो इस तरह से अगर हम इसको गमले में लगाते हैं तो इसकी प्रूनिंग हमेशा करते रहनी चाहिए। और इस जब हम फरवरी महीने में इसमें कुड़ाई करके और गोबर खाद वगैरह मिलाते हैं उस समय हमको बहुत अच्छे से इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देनी चाहिए जिससे कि नई नई ग्रोथ इस पर आती है। जहाँ तक बात करें इसकी मेडिसिनल क्वालिटी की, तो इस पौधे में मेडिसिनल क्वालिटी बहुत सारी हैं और इससे सबसे पहले तो ये डायबिटीज़ में बहुत अच्छा काम करता है। इसकी पत्तियों को हम डायबिटीज़ में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पौधा है डायबिटीज़ के अलावा पेट से संबंधित दर्द में बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा कब्ज है, इस तरह के पेट से संबंधित बहुत सारे रोगों में काम करता है। और इसके अलावा इस पौधे को हम अगर चेहरे पे लगाते हैं तो कील मुहासे भी दूर होते हैं, तो स्किन से संबंधित परेशानियों के लिए भी इसके पत्तों को हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ये फोड़े फुंसी में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसकी पत्तियों को पीस के हम फोड़े फुंसी में भी लगा सकते हैं जिससे घाव अच्छा बहुत जल्दी भरता है और फोड़े फुंसियाँ नष्ट हो जाती हैं। तो इस तरह के बहुत गुण इसमें पाए जाते हैं, तो आप भी ज़रूर इस पौधे को लगाइए और अपने गार्डन को हरा भरा कीजिए। दोस्तों यही आज शेयर करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। हैप्पी गार्डनिंग।